अब हम देखते हैं कि अब इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद हमें कौन सी प्रोडक्ट्स होलसेल एफडीए में सिलेक्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जो पहला इसमें रूल है वो हमारे पास मार्जिन का रूल है। तो मार्जिन जो है इसमें मिनिमम हम लोग कंसीडर करते हैं कि एटलीस्ट 40% का हो, ताकि वही बात की अगर प्राइस रिवाइज होती है किसी भी वजह से, तो प्राइस की रिवीजन की वजह से हम लोग प्रॉफिट से लॉस में ना चले जाए, इस वजह से मार्जिन थोड़ा सा हाई होना चाहिए हमारा। अब टोटल 100% होता है, 100 में से 40% जो है वो मार्जिन हमारा प्रॉफिट का होना चाहिए। और उसके बाद अगर 25 देखें तो वो हमारी 25% शिपिंग और अमेजोन में रखवाने की फ़ी और पिक पैक की फ़ी, रेफरल फ़ी, ये सारी फ़ी वगैरह मिलाकर 25% होना चाहिए हमारे पास। और 35% जिस सप्लायर से हम प्रोडक्ट को बाय करेंगे वो होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को हमने इस तरह से बाय करना है कि एटलीस्ट मिनिमम 35%। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 100 टोटल हमारे पास 100 रुपीस की या 100 डॉलर्स की एक चीज़ है, 35 की हम परचेज करें, 25 हम अमेजोन को देंगे पिक पैकिंग के लिए, तो $40 का प्रॉफिट होगा। 25% में वो उनके वहाँ के चार्जेस भी, जी जी, वो सारी तरह के चार्जेस इंक्लूड कर, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने कंसीडर करना होता है, क्योंकि होलसेल में ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। लाइक स्टार्टिंग में मैं यही कहती हूँ कि आपको कोशिश करना कि एटलीस्ट आपको मिनिमम भी अगर करते हो ना तो 20% का प्रॉफिट ज़रूर हो, क्योंकि ग्रेजुअली आपको एक्सपीरियंस आता है तो आप फिर इसको हाथ सीधा करते जाते हो तो आपको पता चलता है कि इतने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो मिनिमम आपने 40% प्रॉफिट मार्जिन देखना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप 20 से लेकर 30-35 यहाँ तक भी अगर आपको मिल जाए ना कोई प्रोडक्ट तो आप उसको लिस्टिंग एक दफ़ा कर लें, ठीक है। बाद में आप देखें कि आप उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रही है सारी चीज़ें, तो आपने ना मिनिमम कभी उसकी प्राइस हुई हो या मैक्सिमम जितनी प्राइस हुई हो दोनों को कंसीडर करके फिर आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने होते हैं। लाइक इसमें आप समझ लो कि प्लस माइनस दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कि ये जो प्रॉफिट है ये 40% लेट से मैक्सिमम तक जाता है और मिनिमम ये 20% तक जाता है। तो आपको ये प्रॉफिट की रेंज कैसे पता चलेगी, जब आप इसकी मिनिमम प्राइस जिस पर वो कभी सेल हुई थी और जो इसकी मैक्सिमम प्राइस जिस पर कभी सेल हुई थी उससे प्रॉफिट मार्जिन आप कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर इस प्रॉफिट मार्जिन से कम हमारे पास होगा तो हम बजाय इसके कि प्रॉफिट में जाएं हम लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोशिश करनी आपने कि प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा हो, लेकिन होलसेल में आप याद रखें कि होलसेल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स को सर्च करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको पैसे बचते हैं ना एक प्रोडक्ट में से वो कोई $2.99 या $3 बस इतने एक प्रोडक्ट में से बच रहे होते हैं। तो ये है कि सेल जितनी ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट की तो वो $2 या $3 भी मल्टीप्लाई जब होंगे, लेट से आपके हिस्से में 50 units आते हैं सेल करना तो आप उसको टू टाइम्स 50 कर दो तो $100 बन जाएंगे। कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन इसमें इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि होलसेल में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं लेकिन वो सेफेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है। जबकि पीएल में फिर ऑब्वियसली सिर्फ आपको ये वाली कॉस्ट 35 की बजाय आपको हो सकता है 15% ही सिर्फ पड़ रही हो, बाकी वो भी प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। इस वजह से पीएल प्राइवेट लेबल में उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, लेकिन होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सेंटर में प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर कर चुके होते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरर आपको थोड़ा कॉस्टली सेल करेगा, फिर जब आप उसको अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे आप अमेजोन को फी दोगे तो आपको बहुत कम उसमें बच रहा होगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से डिसाइड करें, देखें कि मिनिमम आप जो है ना 20-40% के दरमियान लाए जा रहे हो, इसके बाद वैसे मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि इतनी रेंज मिनिमम आपकी हो प्रॉफिट की। जो हमने वहाँ से भी करते हैं, कुछ और मेथड्स भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रोडक्ट पहला जी वो भी एक तरीका कार है जिसमें हम डेटा में जाके इन्फॉर्मेशन जो एक कैलकुलेटर ओपन करते थे ना उसमें हम देख सकते हैं। जी ऐसे अगर हम कह रहे हैं तो ठीक हो गया कि 20% तो होना चाहिए कम से कम जी मिनिमम मार्जिन, और लोअर से हाई जो उसके प्राइस कही हो उतना अलग उतनी अलग परसेंटेज होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अब
देखिए ना, वो चाहे 5% हो, हाँ, वो चाहे 10% हो, प्लस माइनस ऐसे ठीक है। अब इसके बाद देखें जो सेलिंग प्राइस है, मतलब आपने बताया कि 100 में से ये 40, 25, 35 जी जी, अगर ₹35 की या $35 की परचेज परचेज की है मैंने, ठीक है, उसके ऊपर प्लस 40% करना जो मतलब इस तरह वो प्लस 65, आप कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हो कि 35 प्लस की कॉस्ट प्राइस, हाँ जी, तो फिर उसमें प्लस 40% कर लेना, कितना मार्जिन वाला मैं उसमें 65% ऐड कर दे जी जी, ऐसे 25% Amazon पर होता है, ऐसे ही है कि Amazon तकरीबन 25% लेता है। अभी मैं आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगी ना, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेजेस कैसे डिवाइड होती है, इनको कैसे कम या ज्यादा किया जाता है। अगर 100 में से निकालेंगे तो ये 105% बन रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो कुछ परसेंटेजेस लाइक वेरी कर रही होती है, मैंने कुछ में रेंज भी लिखी है इसमें कि इतना मिनिमम होना चाहिए, 30-35 मतलब इस तरह से आपके पास होना चाहिए। ये Amazon की वो जो प्राइसेस होती हैं ये उससे मैच कर रही होती हैं जो कि वैसे अवेलेबल है आप चीज ऑन Amazon जी जी। देखिए ना, अगर आप FBA कर रहे हैं ना, लेट्स से मैं इसे आपको एक एग्जांपल दे ही देती हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये मजीद क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर तो आप इसे ऑल वर्क में मंगवा रहे हैं तब तो देखिए जो होलसेलर जहाँ से हमें परचेज करना होते हैं ना, वो तो लाइक आप समझ लो कि डायरेक्टली इसी चीज पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि उन्होंने यूके शिप करनी है या कहाँ पर, क्योंकि उनकी हर जगह पर वो अवेलेबल होते हैं, नहीं होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड तो फ्री शिपमेंट ही दे देते हैं आपको कि भाई आपने अपने वेयर हाउस तक लेकर जाना है, हम आपको फ्री शिपमेंट दे देते हैं, तो इस तरह से भी हो रहा होता है, लेकिन हमें असल में FBA की फ़ी और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। ये मैं आपके लिए सिर्फ मैं यहाँ पर ना क्राइटेरिया जल्दी से थोड़ा सा लगाती हूँ ताकि एक रैंडम मेरे पास ना कोई प्रोडक्ट थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आ जाए जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। ये मैं दोबारा से इसको 50,000 इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देती हूँ, यहाँ पर प्राइस मैं 15 लगा देती हूँ, उसके बाद न्यू ऑफर काउंट हम 6 लगा देते हैं, उसके बाद को हटा देते हैं, रिव्यूज हम लगा देते हैं, चलो 4 ही लगा देते हैं फिलहाल, इसको 50 कर देते हैं, इसको सर्च कर देते हैं। अब लेट से मैं यहाँ से ये सारी FBA वाली चीजें निकल आएंगी इसमें, नहीं इसमें इसमें वो FBA FBM दोनों ही हो, तो हमें चूज करना पड़ेगा जी जी ऐसे ही। इसी प्रोडक्ट को मैं अमेज़न में देखती हूँ, इसका थोड़ा सा वो सिर्फ प्राइस का मैं आपको बताने लगी हूँ। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो FBA सेलर है ना वो कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं, अभी के लिए मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक टूल को यहाँ पर रन करी ताकि मुझे FBA पता चल जाए कितने सेलर सेल कर रहे हैं। ये सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में था जी, एफबीए में का है सर, वो देख इसलिए मैंने इसको रन किया था कि टाइम वेस्ट ना हो, कुछ और हो गया था।
नहीं कोई और रूल है, ये ओएस एडन ये जो है ना फ्री है वैसे, लेकिन ये हमें जल्दी से बता देते कि एफबीए सेलर कितने हैं, एफबीएम सेलर कितने हैं, उसके बाद वो ये भी बता देते कि एफबीए जो है वो कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। देखो ये 126 यूनिट सेल कर रहे हैं, ये 212 यूनिट सेल कर रहे हैं, अमेज़न कोई नहीं सेल कर रहा, जीरो आ रहे हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा जल्दी से काम करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम एफबीए पे क्लिक करेंगे तो एफबीए में कुछ चीजें निकल आएंगी। सॉरी, इसमें अगर हम एफबीए पे क्लिक करते हैं तो वो वाली चीजें सब निकल आएंगी? नहीं नहीं नहीं, ये सेलर्स हैं जी, जो हम न्यू सेलर्स नहीं देखते कि इसी प्रोडक्ट को कौन-कौन सेल कर रहा है। जैसे आ रहा है ना नीचे पिछले पोस्ट में डिस्पैच फ्रॉम एंड, नहीं नहीं, आप अभी इसको छोड़ दें, ये आप अभी मैंने आपको गाइड ही नहीं किया इसके बारे में, सिर्फ मैं अपनी असिस्टेंस के लिए मैंने इसको ओपन किया। अब इसमें आप देखिए एफबीए की जो मतलब चार्जेस है ना, मतलब जितने भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है वो 20.15 है, 20.96 है, 21.39 है, 21.40 है, 21.50 है, 21.88 है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो हम प्राइस को लेकर जा सकते हैं ना वो 21.88 तक जा सकते हैं, और मिनिमम जो हम प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं ना वो मिनिमम जो एफबीए कर रहा है वो 20.15 पे कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इतनी रेंज हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस की है कि हम इतनी रख सकते हैं। अब लेट्स से पीछे से हमें ये प्रोडक्ट मिलती है $8 की, लेट्स से। ठीक है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ कि कॉस्ट प्राइस 68 है हमारे पास, कुछ और भी इसमें हमारे पास होते हैं लाइक वो मैं फिर आपको बताऊँगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के, और इसके अलावा टूल्स भी होते हैं हमारे पास जिसमें हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। और ये आप भी प्रोडक्ट के ऊपर जाते रहे सारी, सॉरी सर, जो भी आपने सेटिंग्स की थी वो प्रोडक्ट के ऊपर जाते रखी थी जी, प्रोडक्ट के ऊपर बस उसको रन करना होता है, वो ऑटोमेटिक डाटा फेच कर लेते हैं वो जो अभी मैंने सॉफ्टवेयर रन किया था। अच्छा, हमने देखा 21.40 में सेल हो रही है एफबीए में। ठीक है, और लेट से हमें ये मिलती है कोई 8 या 9 की, चलो लगा लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास 6.47 ये इसमें प्रॉफिट बच रहा है, ये जो नीचे ब्लू कलर में है, तो इस बाकी ये जो 5.93 ये फी में चली गई। तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने आपको थंब रूल बताया ना यहाँ पर, उसको आप इसी तरह से एनालाइज करोगे कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट बच रहा है। आप इसके परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना चाहो तो 6.47 डिवाइड बाई आप इसको कर लो, बेशक कॉस्ट प्राइस से इसका प्रॉफिट मार्जिन देख लो या इसको आप सेलिंग प्राइस के हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये जो 40% है ये सेलिंग प्राइस के हिसाब से है कि अगर आप सेल करते हो जैसे 21.40 पर, तो मैंने सेलिंग प्राइस के हिसाब से इसकी वो निकाल ली प्रॉफिट की परसेंटेज। तो बाकी कैलकुलेशन के मुताबिक इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आएगा अगर ये 9 में हमें मिल रही हुई। अगर 9 में नहीं मिल रही, लेट्स से हम कहते हैं कि हमें 12 में मिल रही है, तो देखिए फिर भी एक प्रॉफिट सही आ रहा है इसके अंदर, इसी वजह से एफबीए सेलर ज़्यादा बैठे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। तो बाकी हमने जो इसकी, ये तो सिर्फ एस्टिमेशन है ना, मैंने आपको प्राइस की एस्टिमेशन बता दी, असल तो तब हमें पता चलेगा जब हमारा इस ब्रांड के साथ जो ब्रांड ये आर्मी टैक्स पेट्स प्रोडक्ट्स है हमारे पास, इसके साथ जब हमारा ट्रेड अकाउंट बनेगा, जब हमें इसकी होलसेल की प्राइसेस शो होंगी, उसी वक्त हमें पता चल सकेगा कि ये हमें एक्चुअली होलसेल में कितने की दे रहा है और हम कितने में बाय कर रहे हैं और फिर हमें कितनी कॉस्ट इसकी सारी पढ़कर फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो एक सिर्फ रफ एस्टिमेशन रेवेन्यू कैलकुलेटर है कि पर प्रोडक्ट हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन इससे भी एक बेहतर तरीका हमारे पास है जिसे हम एफबीए कैलकुलेटर कहते हैं। उस एफबीए कैलकुलेटर को हम यूज़ करके मजीद इसके अंदर लाइक वो फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू उसके अंदर, क्योंकि उसमें यूनिट डायमेंशन हर चीज़ उसके अंदर डाटा फैच हो जाते हैं और फिर उनकी बेसिस पर वो एफबीए फी और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट हो रही है। इस वजह से लाइक आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा, ये एक रफ एस्टिमेशन है ये जो ये वाला तरीका है रेवेन्यू कैलकुलेटर वाला, और जो हम एफबीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो कैलकुलेटर उन्होंने दिए हुए, नहीं नहीं एक और है वो हम प्रोडक्ट हंटिंग में उसको देखिए, ये जनरल कैलकुलेटर जी ये वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, यानी कि मैनुअल कुछ काम करने के लिए ना ये चीज़ें वेबसाइट के ऊपर, अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये कैलकुलेटर हमारे पास होता है। और ये देखिए ये सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर हम इसको स्क्रोल डाउन करें ना तो यहाँ पर हमें ये देखिए ये प्रोडक्ट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है जो कि अमेज़न खुद से शो कर रहा होता है विदाउट टूल्स,
इसमें टूल्स की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को जाकर नीचे से देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें जो बी एस आर और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी 90 डेज की एवरेज यहाँ पर शो होती है, प्राइसेस भी करंटली शो हो रही होती है। अब देखिए पैकेज की डायमेंशन आ गई, इसका वेट आ गया, वेट 1.2 kg है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर का रेफरेंस आ गया, असेंबली, ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, ऐसे नंबर आ गया, कस्टमर के रिव्यूज पता चल गए कि इस प्रोडक्ट की 4.8 स्टार की प्रोडक्ट है, 461 रेटिंग्स हैं इसके, और ये इसका BSR लास्ट 90 डेज का है, ठीक है, ये एवरेज आता है इसमें हमेशा, इसमें ये नहीं सोचना कि ये करंट आएगा आपके पास, ये एवरेज आता है। जो मतलब मैनुअली जो चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं ना, हमने मैनुअली भी चेक जरूर करना होता है, बेशक हम टूल्स का मतलब असिस्टेंस ले रहे होते हैं, उसके साथ साथ मैनुअली भी बहुत सारा काम हमें करना पड़ रहा होता है ताकि इन्फॉर्मेशन को टूल्स के साथ मैच किया जा सके। अगर तो हर चीज़ आपकी परफेक्टली मैच हो रही होती है तब आप जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ जाते हो, अदरवाइज उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते। अब इसमें देखें ये उसकी डेट, जो फर्स्ट अवेलेबिलिटी डेट है वो भी यहाँ पर गिवन है। जी अमेज़न। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो लैपटॉप है जी, जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसकी डेट फर्स्ट करेगी 31/2015 जी, अब इसके बाद इसके लेटेस्ट मॉडल आते चलेगी जी, जी जब इसका अपग्रेड होगा, लेटेस्ट मॉडल आएगा तो ये इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, इसी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी? नहीं, ये डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उसका एसई नंबर डिफरेंट होगा, तो हर प्रोडक्ट का एसई नंबर डिफरेंट होते हैं, जब एसई नंबर चेंज होगा तो उसकी हर इंफॉर्मेशन चेंज होगी, इनकी कोई थोड़ी सी वेरिएशन अगर चेंज होती है कोई भी एसिन होगा हमारे पास, कोई भी प्रोडक्ट होगी जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी उसका एसिन डिफरेंट होगा। जो 2015 से लेकर 2021 तक की प्रोडक्ट जो भी दूर रही है इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जी, बिल्कुल। देखिए ना, इसमें प्राइसेस का डिफरेंस हो सकता है, रेटिंग्स का हो सकता है, इसके अलावा बाकी स्पेक्स में, फीचर्स में, वेट में, किसी भी चीज में कोई बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो प्रोडक्ट एक सेल कर रहे हैं पर Amazon पे वो $20 की सेल कर रहे हैं, तो क्या डिपार्टमेंटल स्टोर पे वही सेम प्रोडक्ट पड़ी है, उधर भी उसने कोई लिमिट रखी हुई है प्राइस की, या वहां से पता चले $15 की? बिल्कुल, प्राइसेस का डिफरेंस होता है क्योंकि कस्टमर केयर की वजह से, ठीक है। वो मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था कि क्योंकि इनकी कस्टमर केयर बहुत ज़बरदस्त है और सारी चीज़ें हैं, तो इनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली फिजिकल मार्केट से थोड़ी हाई होती हैं, लेकिन लोग फिर भी इसको लाइक पसंद करते हैं। उसकी रीज़न आप सब जानते हैं कि एक तो 40 डेज की रिटर्न पॉलिसी है, फिर उसके अलावा ये कि आपको हमेशा एक नंबर चीज़ वहाँ से अवेलेबल होगी, घर बैठे चीज़ आ जाएगी, शिपमेंट के लो से लो चार्जेस होते हैं, तो सारी इन चीज़ों को लाइक ये सारी चीज़ें कस्टमर्स के लिए वायबल होती हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जैसे यूके है या यूएसए, कितने परसेंट लोग मतलब कि ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन लाइक शॉपिंग करते हैं? हाँ जी, वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, ठीक है। वो तो ग्राफ भी अवेलेबल होते हैं और अमेज़न खुद से भी पब्लिश करता है पर ईयर ग्राफ्स इसके, कि भाई हमारे पास इस साल में कितना ट्रेंड इंक्रीज हुआ है, तो ग्राफ उसके सारे अवेलेबल। सबसे अच्छा किस कंट्री में? यूएस का, यूएस का सेकंड नंबर पे यूके आता है, और यूएस का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं टूवर्ड्स ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, स्पेशली अमेज़न, ठीक है। अच्छा, और बैंकिंग कैलकुलेटर की हम कहाँ से, ये अवेलेबल होगा अमेज़न पर? जी जी, वो फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे ना तो मैं स्टेप से जा रही हूँ सिखाऊँ, अभी सिर्फ मैंने आपको प्राइस का बताया कि जो हमने पहला पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका जो थम रूल है वो हमारे पास अराउंड 40% मार्जिन होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन। अब आप इसमें देखिए 40% रूल ऑफ मार्जिन का मतलब ये है कि 40% प्रोडक्ट में से आपका प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होगा, ठीक है, और जो 25% है दैट विल गोज फॉर शिपिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फी, और जो हमारे पास 35% है वो एटलीस्ट हमारी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, जो चीज़ हम परचेज करते हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखें सेलिंग प्राइस का, मैं आपको बता रही थी कि जितनी कम सेलिंग प्राइस होती है ना लाइक उतना प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो हमने मिनिमम कोशिश करनी है, मैं आपको हमेशा 15 की लिमिट लिखवाती हूँ, वो इसी वजह से लिखवाती हूँ क्योंकि 15 से नीचे जब आप कोई होलसेल में चीज़ को सेल या परचेज करेंगे ना, और जब आप उसको लाइक बाय करेंगे कॉस्ट प्राइस उसकी
बेशक $4-5 हो, और उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे अमेजोन के ऊपर जाकर, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होगा, यानी कि पॉइंट्स में हो सकते हैं सेंट्स में ही सिर्फ प्रॉफिट आ रहा हो, तो इतना थोड़ा प्रॉफिट हमारे लिए लाइक यूजफुल नहीं होता, क्योंकि वो तो कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, कुछ हिडन फी भी होती है जो कि रस्ते में कट कुट जाती है, फिर हमें नहीं पता चल पाता कि कितना लाइक प्रॉफिट, वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही समझ लो कि जैसे आपने एक दफ़ा कहा था ना कि कुछ लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी सेल कर रहे होते हैं, वही वाला हिसाब हो जाता है उसके अंदर। तो बेहतर ये होता है कि बजाय इसके कि हम पॉइंट्स या सेंट्स में या कुछ इस तरह से हम करेंसी पॉइंट्स में लाइक हम ले रहे हो प्रॉफिट मार्जिन, उसे अवॉइड करना चाहिए। हमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर हो कि 20-40% के दरमियान हमारा प्रॉफिट मार्जिन लाए कर रहा हो। तो इसी वजह से अगर देखें हमारे पास एवर ग्रीन प्रोडक्ट्स का यही मतलब होता है ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सदाबहार हों, हमेशा चलती रहती हों, ट्रेंडी ना हो, सीजनल ना हो, ऐसी प्रोडक्ट्स हमेशा रिकमेंडेड होती हैं। अब देखें जैसे हमने अम्ब्रेला की एग्जांपल लास्ट टाइम ली थी, तो उसका एक ख़ास सीज़न होगा जिस टाइम स्पैन में वो सेल हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट जो इवेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगी वो भी कुछ इसी टाइप की होंगी कि उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा, सीज़न चेंज होगा, तो वो सारी प्रोडक्ट्स का सेल यानी कि BSR फ्लक्चुएट करेगा बेसिकली इन अदर टर्म्स। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसमें BSR मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, वही सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हमने उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स को हमेशा कंसीडर करना है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस ना हो। जैसे अब पेट सप्लाइज़ की अगर हम फीड वगैरह की एग्जांपल लें, कोई डॉग्स की, कैट्स की, फिश की, डिफरेंट पेट्स होते हैं उनकी लाइक जो डिफरेंट फीड्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, उनमें वेरिएशन थोड़ी बहुत इस सेंस में हो सकती है कि कोई और कंपनी थोड़ा उसको फ्लेवर को चेंज कर दे, किसी और चीज़ को कर दे, बस इतनी सी वेरिएशन होती है। लेकिन जो एक स्पेसिफाइड जो बायर होगा उस प्रोडक्ट का जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसका पेट, उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है, उसने तो वो खरीदनी है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स एवरग्रीन होती हैं, तो हमें एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तमाम वो प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, और सेल उनकी ऑब्वियसली कंटिन्यूसली होती है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो सेल्स वॉल्यूम है। सेल्स वॉल्यूम का मतलब है कि पर मंथ वो सेल कितनी होती है प्रोडक्ट, तो उसका डाटा भी हम फेच कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा टूल एक रन किया था, तो उसमें वो बता रहा था कि FBA की कितनी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, FBM कितनी कर रहे हैं, अमेजोन कितनी कर रहे हैं, तो वो लाइक वो मैं आपको भी इंस्टॉल करवा दूँगी, तो वो वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप उसे रन करें तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो उसमें आप देखें कि जो सेल्स वॉल्यूम है यानी कि जो मिनिमम हमारी प्रोडक्ट पर मंथ सेल हो रही है वो एटलीस्ट 500 यूनिट्स होने चाहिए, फिर ही हमारी कुछ बारी आएगी उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लाइक करने की। अगर देखिए 10 सेलर हैं, 500 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अगर उसको 500 डिवाइड बाई 10 करो तो हर एक बंदे के पास 50, तो चलो अगर एक एक दो डॉलर या पाउंड भी आपको उसमें बचने लगा तो फिर भी आप पर मंथ 50-75 इतनी आप जो है वो अर्न कर लोगे इसके अंदर। तो इस तरह से होता है कि जिसका सेल्स जो पर मंथ सेल होती है वो जितनी ज़्यादा होगी और जितने कम सेलर उसके अंदर होंगे उतना प्रॉफिट आपका ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब मार्जिन हो सकता है। जी ये भी मैं बता दी, एंड 200 यूनिट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट पेज। अब इसका ये मतलब है कि मैंने आपको बताया था ना कि हम प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करवाते हैं फर्स्ट पेज पर, सेकंड, थर्ड पेज पर लाने के लिए, तो अगर तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल ऊपर लाए करती है जब हम सर्च करते हैं तो मिनिमम उसकी जो सेल है वो 500 होनी चाहिए, और जब हम उसी पेज के बॉटम पर देखते हैं तो मिनिमम हमारे पास 200 के राउंड अबाउट उसकी सेल होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेल प्राइसेस बेस्ट सेलर्स इसके अकॉर्डिंग जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ अरेंज हो रही होती है। अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जी, अमेजोन पे जब हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो डिफरेंट एक ही कैटेगरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ फर्स्ट पेज पे आती हैं, फिर वो सेकंड पेज पे क्लिक करके हम सेकंड पेज पे जाते हैं वहाँ पर आ रही होती हैं, तो उसमें टॉप और बॉटम की सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, और हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि एवरेज
अगर एक प्रोडक्ट है उसका BSR इतना है तो उसकी एवरेज सेल पर मंथ कितनी हो रही होगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी एक हमारे पास तरीका कार है, वो मैं लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा बट इसके अंदर जो अभी आपने एक जो चीज बताई, ठीक है ये तो 40% मार्जिन दोबारा होना चाहिए, 20 से 40% के अंदर। अच्छा ये जो हम बाजुबात एज ए न्यू कमर ब्रेक इवन पे भी काम ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल हम नए नए हैं, हमारा ये भी यार प्रॉफिट नहीं भी होगा तो काम तो चलेगा हमारा एटलीस्ट। नहीं नहीं फिर उसमें क्या है, उसमें लॉस होने का भी चांस हो जाते हैं ना, प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गिरी नहीं, तो जब आप बिल्कुल ही एक एज के ऊपर लाए कर रहे होते हैं तो आप कभी भी लॉस में जा सकते हैं, तो जेब से तो पैसा कोई भी नहीं लगेगा। मिनिमम भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हो ना तो 15% तो लाजमी हो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन। तो उससे ये है कि प्राइस में अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है कि देखिए कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं जो हमें लाइक कैलकुलेशन के दौरान ही शो हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसको फंक्शनल करते हैं उस प्रोडक्ट की सेलिंग को तो उस वक्त वो हमें शो हो रहे होते हैं, तो वो हिडन चार्जेस को अगर हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे तो फिर प्रॉफिट, अगर हमने पहले ही कुछ नहीं रखा हुआ तो वो हिडन चार्जेस तो हमें ऑब्वियसली लॉस में ही लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, वो तो स्टार्टिंग में हमेशा जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना तो हमेशा हम टेस्टिंग यूनिट्स परचेज करते हैं हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं होता कि हम डायरेक्टली पहली दफ़ा इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर रहे हैं और डायरेक्टली हम 100 यूनिट या 50 यूनिट मंगवा के बैठते हैं, इस तरह से नहीं होता, हमेशा पहले टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के लिए आप एक एस्टिमेशन लगाते हो, वो डिफरेंट एस्टिमेटर्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से एस्टिमेशन लगाते हैं, उस एस्टिमेशन से थोड़े कम यूनिट मंगवा कर आप टेस्टिंग करते हो सबसे पहले। जब आप देखते हो कि आपकी फॉर एग्जांपल अब उस एस्टिमेटर के मुताबिक आपको 25 यूनिट आपसे सेल होंगे एक महीने के अंदर, आप क्या करते हो टेस्टिंग के लिए 10 यूनिट या 15 यूनिट मंगवा लेते हो, अब आपने देख लिया कि वो 10 से 15 यूनिट कितने दिनों में मेरे सेल हुए, ठीक है, अब उससे आपको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एस्टिमेशन हो जाएगा नेक्स्ट आप जब उससे लॉट मंगवा रहे होंगे होलसेल में, तो वो फिर आपको लाइक एग्जैक्ट आइडिया दे देगा कि आपको पर मंथ इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं या यूनिट्स इतने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो वो ये तरीका है, इसको टेस्टिंग कहते हैं। तो हमेशा पहले जब भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक्टिव करवाई जाती है ना तो पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर हम बल्क में चीज़ें एग्जैक्ट अमाउंट के मुताबिक मंगवाना स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो सारी चीज़ें ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूके के लिए क्या है, जब हम प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं यहाँ पर एक जंगल स्काउट एक JS की थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगी क्योंकि वो उसके सेल्स एस्टिमेटर वगैरह यूज़ होने हैं, ठीक है, तो मैं एक जंगल स्काउट एक हमारे पास एक्सटेंशन है जिस तरह से कीपा और हीलियम है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जंगल स्काउट भी एक हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है, ये कुछ हद तक फ्री भी है और वैसे इसकी सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है, ठीक है, तो ये मैं इन सब की कलेक्टिव बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम जंगल स्काउट भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी में कीपा यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस में हीलियम यूज़ कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना होता है ना फिर हम सारे टूल्स को एट अ टाइम रन करके देखते हैं वन बाई वन कि क्या उनकी इन्फॉर्मेशन सेम आ रही है, मैच कर रही है या नहीं, फिर उस मैच अगर वो तीनों मैच करती हैं तो उसके बाद भी हम मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं इसके ऊपर। प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है क्योंकि आपका नेक्स्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सारी उस डिसीजन पर डिपेंड कर रही होती है, तो इस वजह से ये जो स्टेप है ना बड़ा विजिलेंट होकर इसमें आपने सारे टूल्स मैक्सिमम यूज़ करने हैं जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, फिर उसके बाद मैनुअली इसकी सारी चीज़ों को चेक करना होता है, कुछ फ्री एक्सेस होती हैं उनके ऊपर जाकर आपने कैलकुलेशन दोबारा से करनी होती है, जब सारी चीज़ें आपकी एस्टिमेटेड बिल्कुल क्लोज हो ना, एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं होगी, क्लोज होगी जब, तो तब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होता है या होता है या नहीं होता कि सारे सॉफ्टवेयर्स के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं? वो इस वजह से क्योंकि कोई भी टूल एग्जैक्ट तो नहीं है ना बिल्कुल,
थी, मैंने आपको कहा था कि हम 90% तक रिलाय कर सकते हैं इन टूल्स के ऊपर, नॉट 100%। तो वो जो 90% के बाद वो जो 10% है वो वेरिएशन थोड़ी बहुत सबके अंदर वो जब क्योंकि हम करेंगे तो उसका हम खुद जनरल ओवरव्यू, हाँ जी बिल्कुल, जनरल ओवरव्यू से हम रिजल्ट जो है वो अपना डिसीजन जो है अगर दो जगह सेम आ रहे हैं तो इट्स बीन, हम ये कह सकते हैं कि शायद ये ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अगर आपने उस प्रोडक्ट को अर्न कर लिया जी, देन इसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसके अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी ना हो रही हो, तमाम चीज़ों को फुलफिल करने के बाद इसके बावजूद चांसेस हैं जी? असल में वही बात है कि फिर टेस्टिंग ही आपको ये चीज़ बताती है। देखें, हमने अपनी एफर्ट्स इसके ऊपर पूरी लगा दी, सारी लगा दी, ठीक है, हर चीज़ कर ली, हमने इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी कर लिया, इसकी एस्टिमेशंस भी देख ली, कैलकुलेशन जो FBA Amazon ने कैलकुलेटर दिया है उसकी कैलकुलेशंस को भी वेरीफाई कर लिया। अब फिर उसके बाद वही है कि कुछ हिडन चार्जेस अगर निकले तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 70-80% वो प्रोडक्ट आपके लिए वायबल है। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर कैलकुलेशन ही 80% तक हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो हिडन चार्जेस कितने बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसमें वही है कि प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा हिडन चार्जेस उतने अच्छी तरह से मीट हो जाएंगे आपके, ओवरकम हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने होते हैं हिडन परसेंटेज में? आप कह सकते हो 5% तक मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो हम उसका मार्जिन रख लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद कोई ऐसी चीज हमें तो नहीं फेस करनी पड़ती फ्यूचर में जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट जी वो एक वैट होता है, वो लाइक यूके की मार्केट में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर उसमें वही बात है कि उसका एक पूरा लेक्चर है क्योंकि अलग से, तो वो फिर मैं जब हम उसको डिस्कस करेंगे ना मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगी। हिडन चार्जेस में वो एक वैल्यू चीज शामिल होती है, टैक्स होता है लाइक वो जो हमें यूके की गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जी बिल्कुल, उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस टाइप का वैट लिया हुआ है। इसमें ना तीन कैटेगरीज हैं वैट की, तो फिर ना अगर हम थर्ड कैटेगरी यूज़ करते हैं ना सिलेक्ट करते हैं तो उसमें फिर जब हम बाय करेंगे तब नहीं पड़ेगा, जब हम सेल करेंगे तब ही पड़ेगा। लाइक इसकी भी वो एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, प्लान है, वो मैं आपके साथ हो जाता है अगर बहुत सारे केसेस में रिटर्न होता है, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइलिंग करते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। मतलब जी हम मार्केट प्लेस में होता है नहीं, ये सिर्फ यूके की मार्केट में होता है वैट, ठीक है, और बाकी जो स्टेट्स होती हैं वो डायरेक्टली टैक्स चार्ज कर रही होती हैं, वो वैल्यू एडेड टैक्स नहीं होता, वो सिंपल टैक्स होता है। टैक्स तो हर जगह ही है, पाकिस्तान में भी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, यहाँ पर भी वहाँ पर भी बहुत सारे केसेस है ना कि आप उनके फला रूल्स को फॉलो करते हैं जो इतने परसेंट कैशबैक होता रहता है, तो उनका ये वाला हिसाब है, वो मैं डिटेल में आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया को देख लेते हैं। अब इसमें जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है हमारे पास, यानी कि एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को 5,000 से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड रिसर्चिंग ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये हीलियम में एक मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था कि वहाँ से हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। तो कीवर्ड सर्चिंग का जो वॉल्यूम है, यानी कि कम से कम 5,000 लोग उस वर्ड को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पेन को सिलेक्ट करते हैं कि भाई उन्होंने पेन को सर्च करना है, तो कम से कम पेन का वर्ड लिखकर 5,000 लोग सर्च कर रहे हैं कि, तो फिर वो वाली प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल है। यानी कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा वर्ड आए जो वर्ड 5,000 से ज्यादा दफा सर्च हो रहा है टाइटल में, वो एक टाइटल के कोई एक वर्ड। जी जी बिल्कुल, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ पर्संस का भी आईडी देता है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। जी जी, सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पर मंथ की वैसे इंफॉर्मेशन आती है कि एक महीने के अंदर कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया। आपके साथ डिस्कस करूंगी जब हम इसकी तरफ जाएंगे। अभी ये सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग है, सिर्फ अभी आप सिर्फ इसको ज़हन नशीन थोड़ा सा मेमोराइज कर लें कि 5,000 प्लस कितनी देर में, एक दिन में 5,000 प्लस होना चाहिए। नहीं, इसमें डिपेंड कर रहा होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन की डिफरेंट ऑप्शंस देता है। ये जो क्राइटेरिया है पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है, ये एक मंथ में 5,000 लोग उसको सर्च करें, 5,000 प्लस, ठीक है।
उसके बाद सेकंड है हमारे पास जो कीवर्ड है दैट मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एटलीस्ट 5 सेलर आउट ऑफ 10 कि अगर 10 लोग सेल कर रहे हैं ना तो जो कीवर्ड हमने सर्च किए जिसकी रैंकिंग 5000 प्लस है वो तकरीबन 5 सेलर्स के टाइटल में लगा होना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि देयर मस्ट बी 3 सेलर्स इन द टॉप 10 हैविंग प्रीव्यूज लेस देन 250। अब जब हम जंगल स्काउट का वो रन करते हैं ना लाइक टूल रन करते हैं उस वक्त हमारे पास हमने देखना होता है फॉर एग्जांपल अगर 15 सेलर बैठे हुए हैं उस प्रोडक्ट के अंदर तो जो मैक्सिमम हमारे पास टॉप 10 सेलर्स हैं टॉप 10 सेलर्स उनमें से तकरीबन 3 सेलर्स इस तरह के होने चाहिए जिनके रिव्यूज लेस देन 250 ठीक है। यानी कि रिव्यू काउंटिंग हर सेलर की अलग अलग होती है ना हमने देखा था अगर एक प्रोडक्ट लाइक हमने यहाँ पर डिस्टेंस यही प्रोडक्ट जी मैं आपको यहाँ से सील कर दूँगा ये देखिए अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर एफबीएम कितने हैं सिर्फ 3 की ही होनी चाहिए या कम से ज्यादा भी फर्स्ट 10 में से 3 सेलर्स के जो मतलब रिव्यूज हैं वो लेस देन 250 होने चाहिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ज्यादा हो तो बेहतर है रिव्यूज कम होने बेहतर है क्योंकि कम होंगे तो वो नए होंगे और आप तो कंपटीशन के साथ उतना ही जो 10 बेस्ट सेलर्स हैं 10 सामने हैं उनमें से अगर वो आप 3 है 5 के 250 से कम है वो हमारे लिए बेहतर है बिल्कुल बेहतर है ठीक है। मिनिमम 3 तो होने चाहिए क्योंकि रिव्यूज 3 250 से कम हो। अब यहाँ पर आप देखें इसके रिव्यूज 288 और 73 हैं इसी तरह से आप नेक्स्ट के देख लें इसके 1721 है लेकिन ये क्योंकि एफ बी एम है इसलिए हमने इनको निगलेक्ट करना है हमने एफ बी ए सैलर्स को सिर्फ देखना है एफ बी ए। अब ये 417 है एक सेलर 417 पर मिल गया दूसरा सेलर 558 पर पहुंच गया ठीक है। अब अगला एफ बी ए देखते हैं ये है 148। अब एक सेलर तो हमें मिल गया टोटल अभी हमने पहले तो देख लिया मैं अगर वही टूल रन कर हमने सिर्फ एफ बी ए हमें एफ बी एम से कंसर्न नहीं है क्योंकि हम तो प्रोडक्ट एफ बी ए करने लगे मैं इसको थोड़ा सा रन कर देती हूँ आसानी हो जाएगी हम सबके लिए। अब इसमें देखें ये रेटिंग और रिव्यूज आ रहे हैं इसके अंदर हमें पता चल रहा है कौन एफ बी ए कौन एफ बी एम है इसके देखें रिव्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं ये नीचे वाले हैं 28873 और उसके बाद ये एफ बी एस के 417 है 558 है उसके बाद इस वाले एफ बी ए के देखें इसके सिर्फ 2 हैं और इस एफ बी ए के ज़्यादा हैं इसके 8 हैं इसका मतलब है कि हमारे पास 2 सेलर ऐसे हैं यहाँ पर जिनके 250 से लेस हैं और बाकी भी मतलब 2 सेलर इस तरह के जिसके 417 और 558 हैं तो इसका मतलब है इनके साथ हमारा इतना कंपटीशन नहीं होगा कंपटीशन वाले 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके साथ हमें थोड़ी प्राइस वॉर भी करनी पड़ेगी और काफ़ी मतलब उनके साथ वो हमें टफ टाइम भी दे सकते हैं जिसमें एक ये वाला हो जाएगा जिसके 9504 रिव्यूज हैं और एक जो ऊपर हमने देखा था ये वाला 28873 ये वाले 2 सेलर तो जिसमें कंपटीशन की मार देने वाले ज़्यादा लोग बैठे होंगे ना ऐसी प्रोडक्ट में एज अ न्यू हमें नहीं जाना ताकि हम एक आधे के साथ तो हम फाइट कर सकते हैं एक हो दो हो लेकिन 2 से ज़्यादा 3 4 5 अगर इस तरह के बैठे हों तो फिर तो उनकी आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की वार चल रही होगी हम तो फिर पीछे ही साइड पे बैठे रहते हैं इनकी फायदा में आपस में लिंक्स होते हैं नहीं नहीं लिंक्स नहीं होते प्राइस की सिर्फ स्ट्रेटजीज होती हैं आप समझ लें कि एक मार्केट है एक ही लेन में सारी तरह की एक ही तरह की दुकानें हैं या हम हफी सेंटर की बात कर लेते हैं वहाँ पर सारी एक ही तरह की शॉप्स हैं अब उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज वाले भी कुछ लोग बैठे हुए हैं कई तरह के लोग बैठे हुए हैं अब वो आपस में बिजनेस में किस तरह से एक दूसरे को कम्पीट करते हैं वो चीज़ यहाँ पर लेकिन बात ऐसा है कि मार्केट में ना ये लोग एक का भी कर लेते हैं जी इसका मतलब होता है कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती बिल्कुल ऐसे ये काम इधर भी इधर भी होता है ये चीज़। अब देखिए प्राइस की फ्लक्चुएशन जब ये एक मिनिमम प्राइस देकर अगर बैठ जाए अब जो नए लोग आएंगे उन अब इनकी सेल तो ज़्यादा होगी क्योंकि इनके रिव्यूज ज़्यादा हैं और इनकी रेटिंग भी ज़्यादा है इनको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा हमारी नस्बत ठीक है। बेशक हम भी एफ बी हैं लेकिन हमें बाय बॉक्स इनकी नस्बत कम मिलेगा तो अब क्या होगा इनकी एक तो प्राइस कंसिस्टेंट होगी सबकी तो बार बार इन्हें ही मिलता जाएगा फिर हम उतनी प्राइस पे जाकर हो सकते हैं हमें बिल्कुल भी उतना प्रॉफिट ना रहा हो और ये एक आधी प्रॉफिट में एक आधी प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम करके भी अपने आप को लाइक स्टेबल ही रखते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट चलिए आपकी बात ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैडम पहले तो हमें स्टडी करके इधर जा लेनी चाहिए जी अगर फर्ज करें हम गलती से चले भी गए अब हम निकले कैसे वहाँ से
नहीं निकलना तो नहीं, फिर आपने बस डटे ही रहना है उसके। हाँ जी, फिर निकलना नहीं है जब तक आपके प्रोडक्ट सही ना हो। प्राइस आप कहना चाह रही हैं कि इनसे मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, प्राइस पॉइंट्स में फर्क बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो मैंने आपको अभी वेरिएशन बताई थी ना कि मिनिमम इतनी है तो मैक्सिमम इतनी है, हम कोई दरमियानी प्राइस सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब ना बिल्कुल एक्सट्रीम वाले की रखते हैं, दोनों एक्सट्रीम से अवॉइड करना है, ना बिल्कुल कम वाले में जाना है ना बिल्कुल ज्यादा, कोई दरमियानी प्राइस हमने सिलेक्ट कर रहे हैं। एफबीए मिनिमम अगर 20.15 है तो अगर हम 20.10 करते हैं तो फिर तो आप दूसरों को भी गिरा रहे हैं ना, वो नहीं गड़ा नहीं खोदना, जिसमें खुद भी गिरो सबको भी गिराओ, हमेशा प्राइस की स्टेबिलिटी को वहां पर आपने इंश्योर करना है। ये बहुत सारे न्यू कमर यही काम करते हैं और दूसरे लोगों को भी टफ टाइम दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बाय बॉक्स इतना नहीं मिल रहा होता, बाय बॉक्स उतना ही मिल रहा है नए सेलर को जितना वो डिजर्व कर रहा होता है, उसको चाहे वो प्राइस बहुत कम भी कर दे फिर भी उसके पास उतनी ही ट्रैफिक आनी है जितनी नॉर्मल डेज में आ जाती है, बल्कि उसका नुकसान क्या हो रहा है कि बाकी सबको जब कम करनी पड़ती है तो वो क्योंकि उस फील्ड में काफ़ी चलाक हो चुके होते हैं, वो फिर किसी और तरीके से उसको डॉज देना स्टार्ट करते हैं, मार देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए बेहतर ये कि हम ना इस तरह के प्रोडक्ट में जाएँ जिसमें एक तो एफ बी ए की जितने भी सेलर हों की प्राइस में कंसिस्टेंसी, हर एक सेलर की हमने देखनी है कि कोई चेंज ना कर रहा हो, वो जो हमने देखा था ना हर न्यू ऑफर काउंट्स वाला स्टैटिस्टिक्स बाय बॉक्स के, उसमें हमने ज़रूर देखा कि कुछ सेलर ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस को कभी गिरा देते हो, कभी बहुत इंक्रीज कर देते हो, जहाँ पर इस तरह की बात चल रही हो ना वहाँ पर भी हम अवॉइड करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल है, प्रोडक्ट हंटिंग मुश्किल है, ब्रांड हंटिंग आसान है, ट्रेड अकाउंट बनवाना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग में जो है वो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें वही है कि एक तो प्रैक्टिस और दूसरी ये बात कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना इनको बिल्कुल जहन नशीन कर लें, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की फील्ड में जब एंटर होंगे ना तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि अच्छी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी तो फिर ब्रांड नहीं नहीं आप रिवर्स भी चल सकते हैं, पहले ब्रांड से आप कर लो कॉन्टेक्ट, ट्रेड अकाउंट बनवा लो, फिर उसकी प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट को हंट करो, फिर आसान हो जाता है काम हमारा। नहीं इसमें फिर अगर ट्रेड अकाउंट ना मिला तो ये सारा टाइम जाया हो जाएगा आपका, उसमें ये है कि जिस ब्रांड ने आपको अप्रूवल दिया हुआ है ना उसी ही प्रोडक्ट में से ढूंढो आप प्रॉफिट। अगर हम उसकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करते तो क्या वो प्रोडक्ट वापस ले लेता है? नहीं लेता कंटिन्यू। मैंने ये समझाने के लिए 600 ऐसे अकाउंट बनाए हुए हैं जिसमें मैं कोई बाय नहीं करती चीज़, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ मैं क्लासेस में समझाने के लिए मैंने अकाउंट्स उनके साथ बनाए हुए हैं, तो वो बंद नहीं होते, लेकिन ये है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन पे बने बस वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं चलती जा रही हूँ, उसमें नहीं होता कि भाई आप बाय करें ना करें वो ठीक है वो अपनी बात पे ब्रांड से ले लेना बेहतर है, ले लेना। देखिए आपने दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली ठीक है ना, लेकिन वो वाली बात क्या, अगर उसने ना दिया ये सारी वर्किंग के बाद तो आपका सारा टाइम से, इसलिए होलसेल में हमेशा स्टार्ट ही रिवर्स सोर्सिंग से होता है कि पहले ब्रांड ही सर्च करना होता है आपने जिससे आपका ट्रेड अकाउंट बन जाए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट्स में से या बल्कि लाखों में से आप ढूंढ रहे होंगे कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है, और उसमें आप देखो एक ब्रांड से जब आपका ट्रेड अकाउंट बन गया हो सकते हैं उसमें सिर्फ 200 ही प्रोडक्ट्स हों, अब 200 में से सिलेक्ट करना आसान है बनिस्बत आप जब मिलियंस में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। ऐसे कुछ बट आई थिंक सो वक्त के साथ साथ जैसे आप बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं इस चीज़ के अंदर देन फिर आपका फिर यही चैलेंज होता है कि यार ये जो अच्छी प्रोडक्ट है ना ये बहुत अच्छी सेल हो रही है, अब इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे अब उसको एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, वो खेल उसको ये भी पता होता है ना कि ये ब्रांड जिसकी ये चीज़ उसने सर्च की है ये किस लेवल का ब्रांड है, मुझे अप्रूवल देगा या नहीं देगा। अब आप लोगों को तो अभी ब्रांड्स के नेम का ही नहीं पता कि फलां ब्रांड किस कंट्री में लाया करता है या कहाँ पर है, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें आती हैं। अब हम लोगों को टाइम हो गया करते हुए, हम लोग देख कर भी गैस लगा लेते हैं कि हमें अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, तो हम इस तरह से मतलब हो सकते हैं लाइक बैक। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको रिवर्स ही स्टार्ट होना है कि पहले ब्रांड ही ढूंढना है।
देखिए हम पहले साइकिल चलाएंगे फिर दूसरे साइकिल। हां जी देखिए ये प्रोडक्ट है टीम प्रैक्टिस फिर हम ट्रेडर नाउ नायरा बैठ तो फिर वही बात है कि थोड़ा नहीं ट्रेड नहीं देखिए ना इसमें वो कोई मसला नहीं है ट्रेड अकाउंट इतना भी जरूरी नहीं है आप फिक्टिशियस उसमें कॉस्ट प्राइसेस डालकर आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। जैसे मैंने अभी आपको रफ का कि अगर ये 20 पॉइंट इतने की सेल हो रही है आपको मिनिमम लेट्स से 8-9 की मिल रही है तो आप एक रफ एस्टिमेशन से प्रोडक्ट हंटिंग को लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें ज़रूरी नहीं होता लेकिन कुछ मैं कोशिश करूँगी कि एक आधा जो डमी अकाउंट मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप उससे करना चाहें तो कर सकते हैं। जो ट्रेड अकाउंट का अब इसमें नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है हमारे पास ये तो 3 salads की बात हो गई ये हमने कर लिया। अब इसके बाद एंड सेल्स मोर देन 8000 ये हमारे पास ब्रिटिश पाउंड है। एक क्वेश्चन रह गया था इसमें पूछ रहे हो ना आपने बोला था कि जिनकी ट्रेडिंग ज़्यादा होती है वो आपस में खेलते भी अगर मिनिमम हमें 3 sellers ऐसे मिल भी जाते हैं 4 भी स्पोज मिल जाते हैं हमें जिनकी रेटिंग जो है 250 से कम है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ऊपर वाले 5 हैं वो आपस में कंपटीशन कर रहे हो। नहीं नहीं वो हमने देखना होता है ना कि लाइक वो सारी सिचुएशन को हमने रन करके देखना होता है। मैं जनरल स्काउट पे भी आऊँगी जब मैं ये करूँगी ना आपके साथ प्रोडक्ट हंटिंग का जब हम नेक्स्ट में वहाँ से क्लियर हो जाएगा प्राइस एक ही सेलर बार बार अप डाउन कर रहा है वो तो यहाँ से भी हो रहा है तो ग्राफ वो तो यहाँ से भी हो रहा है ग्राफ से